आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं भूमिजी, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के काराकाट थाना अंतर्गत चिल्हा निवासी पिता पुत्र पर हुए जानलेवा हमले का एसआईटी ने किया उद्भेदन। एक बार फिर रोहतास पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। यह घटना 6 दिसंबर को संध्या करीब 6:15 बजे काराकाट थाना क्षेत्र के जोरावपुर के पास सकला लाइन नहर के समीप बेटी की शादी तय कर लौट रहे राजकुमार सिंह एवं उनके पिता राधा मोहन सिंह को मोबाइल लूट के क्रम में धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिसमें राधा मोहन सिंह की मौत हो गई थी। इस घटना को पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह ने चुनौती देते हुए एसडीपीओ राजकुमार एवं मुख्यालय डीएसपी बूंदी मांझी के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की। लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराध कर्मियों को टीम ने धर दबोचा, जिसमें एक अपराध कर्मी फरार बताया जाता है। इस घटना को लेकर सड़क जाम एवं हाई वोल्टेज ड्रामा तक हुआ। तरह तरह के अटकलें लगाई जा रही थी। घटना का उद्भेदन करते हुए एसआईटी टीम ने लूट की घटना बताते हुए मामले पर विराम लगा दिया। रोहतास से रोहित सिंह की रिपोर्ट। वे अपनी गाड़ी चोरी का एफआईआर करने आए थे। तो कितने बजे आए थे? हम 5:30 बजे के करीब आए थे, 6 बजे के करीब। 6/12/2020 तो काराकाट थाना तक जोरावर पुल के पास जो सकला नहर है, तो पुल से 100 मीटर की दूरी के आसपास चिल्हा गांव के राजकुमार सिंह और राधा मोहन सिंह अपने बेटे की शादी करके वापस आ रहे थे। वहां जब पहुंचे 6:15 में तो 3 मोटरसाइकिल पर सवार 5 आदमी उनके साथ उनका मोबाइल लूटने के प्रयास किए, और मोबाइल लूटने में इन लोगों के द्वारा विरोध किया गया राजकुमार सिंह और राधा मोहन सिंह के द्वारा, और विरोध में उनके द्वारा पत्थर चलाई गई, और जिसमें से एक अपराधी को पत्थर उसके मुंह पर लग गया। लगने के कारण देखा कि अब हम पकड़े जाएंगे, लोग कर रहे हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। चाकू से दोनों आदमी पर वार कर दिया, जिसमें राधा मोहन सिंह ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी हुए और उनकी मृत्यु हो गई। राजकुमार सिंह अभी भी इलाजरत है और वो खतरे से बाहर है। इस कांड के उद्भेदन के लिए, चूँकि कांड पर बहुत अत्यंत गंभीरता से ली गई, पुलिस अधीक्षक महोदय रोहतास के द्वारा एक टीम की गठित की गई, जो मेरे नेतृत्व में मेरे और श्री बूंदी मांझी जो पुलिस उपाधीक्षक प्रथम मुख्यालय हैं, दोनों के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम में विक्रमगंज थाना प्रभारी संजय कुमार सिन्हा, नासरीगंज अंचल के पुलिस इंस्पेक्टर जानंद शर्मा, काराकाट थाना प्रभारी अनिल प्रसाद, राजपुर थाना प्रभारी संजय कुमार यादव, नासरीगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार के टीम गठित की गई। और चूँकि घटनास्थल पर से ही हम लोग एक अपाची मोटरसाइकिल मिली थी, और उस अपाची मोटरसाइकिल के बारे में एक मरौना का जो क्रिमिनल्स है जिसका नाम अटल है, वो झूठा मुकदमा कराया था विक्रमगंज में, वही लीड हम लोग के पास थे। और पुलिस अधीक्षक महोदय का डायरेक्शन एवं जो टीम थी हम लोग का आपस में समन्वय कर करके उस लीड के आधार पर आगे बढ़े, और इसमें संलिप्त 6 अपराधकर्मी हैं, 6 वो लोकल हैं, जिसमें से धारपुर का एक क्रिमिनल से जिसका नाम सरोज है, और वो पहले भी लूट के कई कांडों में काराकाट में आरोपित रहा है, एक दिनेश है, और विक्रमगंज में हत्या कांड में आरोपित रहा है। तो उसको हम लोगों ने पकड़ा, उन लोगों ने अपने अपना अपराध को स्वीकार किया, और उन लोग बताए कि हम मोटरसाइकिल को कहाँ रखेंगे घटना के बाद। हम लोग उनके बताए अनुसार जहाँ बताए वहाँ से मोटरसाइकिल तो हम लोगों ने भी कवर किया, और उसी में दुर्गेश और दिनेश दो आदमी ने बताया कि उन लोगों के द्वारा विक्रमगंज में पहले लूट की घटना की गई है, दुर्गा जी के पास घटना घटी थी, और उन लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि वो लूट के पैसा कहाँ रखे हैं। तो उनके बताने के आलोक में हम लोगों द्वारा छापामारी की गई, वो पैसा उसमें से 21,000 रुपया पर बरामदगी हुई है। और ये घटना जो है विशुद्ध रूप से लूट की घटना है, इसमें पहले से आ रहा था कि हत्या के कारण किया गया है या पूर्व दुश्मनी है या कुछ षड्यंत्र है, ऐसी कोई बात नहीं है, विशुद्ध रूप से लूट की घटना है। और इसमें संदिग्ध 6 अपराधकर्मी, 6 में से 1 नाबालिग है, जिसको सामने नहीं लाया गया है, उसका नाम नहीं बताया जा सकता है,
उसको हम लोग जजिया कोर्ट में जो उसका विधि है उसके अनुसार उसको प्रस्तुत करेंगे। और इस कांड का उद्भेदन हो गया है।